हेलो फ्रेंड्स, आज उषा दुबे की रसोई में पक रहा है कोकोनट राइस। चलिए शुरू करते हैं। कोकोनट राइस के लिए मैंने एक कटोरी राइस लिए हैं, जिन्हें मैंने अच्छे से पानी में भिगा दिया है 15 मिनट्स के लिए। मैंने गैस जलाकर उस पर पैन को चढ़ा दिया है और इसमें 2 टेबलस्पून ऑयल डाल दिया है। इस कढ़ाई में थोड़ी सी हींग डाल देंगे, इसमें 1 चम्मच राई डाल देंगे। राई के क्रैकल होने के बाद हम इसमें 1 टेबलस्पून उड़द दाल डाल देंगे और साथ ही साथ 1 टेबलस्पून चना की दाल। इसे हम धीमी आंच पर अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। अब इसमें हम कटी हुई हरी मिर्च डाल देंगे, आप बारीक टुकड़े काट कर भी डाल सकती हैं। अब इसमें ये हम करी पत्ता डाल देंगे, सूखी हुई खड़ी लाल मिर्च के मैंने छोटे टुकड़े कर लिए हैं, इन्हें भी हम डाल देंगे। 2 टेबलस्पून काजू, 7 से 8 काजू मैंने डाले हैं। अब हम इसमें कटी हुई अदरक डाल देंगे। इसमें अदरक को पीस कर मत डालिए, बारीक टुकड़ों में काट कर डालिए। देखिए, अब चना और उड़द की दाल दोनों ही ब्राउन हो चुकी हैं और काजू ने भी अपना रंग बदल दिया है। अब हम इसमें ये फ्रेश ग्रेटेड कोकोनट डाल देंगे। इसी वक्त आप इसमें मूंगफली के दाने डाल सकती हैं। यदि आपको सब्जियां भी डालना है तो आप इसमें गाजर, मटर, बीन्स वगैरह भी डाल सकती हैं। अब ये आप पर डिपेंड है कि आप इसको कितना न्यूट्रिएंट रिच बनाना चाहती हैं। जब मैंने काजू और हरी मिर्च डाली है, उस वक्त यदि आप चाहें तो इसमें बारीक कटा हुआ प्याज भी डाल सकती हैं। अब मैंने इसमें ये भीगा हुआ राइस डाल दिया है। आपको चावलों का पीला रंग पसंद है तो हल्की सी हल्दी आप इसी वक्त डाल दीजिए। अब मैं इसमें 1 बड़ा कप भर के कोकोनट मिल्क डाल रही हूँ। ये एकदम फ्रेश कोकोनट का मिल्क मैंने निकाला है। क्योंकि मैंने 1 कटोरी राइस लिया है, इसलिए मैं इसमें 1 कप तो मैंने कोकोनट मिल्क डाला है और करीब 1.5 कप पानी मैं और डाल दूंगी। अब हम इसमें 1 उबाल आने तक इसे खुला पकाएंगे, उसके बाद ढककर पकाएंगे। अब ये बॉईल होने लगा है, अब हम इसे ढक देंगे और करीब 10 मिनट के लिए पकाएंगे। आंच को हमें बहुत तेज नहीं रखना है, मीडियम आंच होना चाहिए। 8 से 9 मिनट हो चुके हैं इसे, अब हम इसे खोल के देखते हैं। बहुत बढ़िया खुशबू आ रही है। इस राइस को आप लेफ्ट ओवर राइस के साथ भी बना सकती हैं। यदि आपके पास लेफ्ट ओवर राइस है तो आप ठीक इसी विधि को यूज करते हुए उसमें ग्रेटेड कोकोनट तो डालिए, बस कोकोनट मिल्क मत डालिए। ये बच्चों के टिफिन के लिए बहुत ही अच्छी रेसिपी है। इसमें किसी भी साइड डिश की आपको ज़रूरत नहीं है, केवल इसे पापड़म के साथ सर्व किया जाता है। अचार सर्व कर दीजिए साथ में। अब हम देखते हैं, बहुत अच्छे बने हैं, बहुत बढ़िया। चलिए अब इसकी प्लेटिंग करते हैं। अब हम इसे थोड़े से धनिए से गार्निश करेंगे। आज का हमारा कोकोनट राइस एकदम तैयार है। अब आप भी इसे जल्दी से बनाइए और मुझे बताइए कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। यदि पसंद आती है ना तो प्लीज़ मेरी रेसिपी को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।